प्रधान सचिव ने उसको हड़काया कि या अगर गलत क्लेम किए हैं तो इनका रिजेक्ट करो, और अगर सही है तो इनका मुआवजा भुगतान करो। रिश्वत चाहते हो क्या? इससे बड़ा और यहाँ का समझिए कि हम क्या कर सकते हैं? कोई कानून नाम का चीज़ है? कोई नियम नाम का चीज़ है? और आप यह पैसा दूसरे को दे दिए, जिला अधिकारी के यहाँ सभी जगह दौड़ा, कहीं सुनवाई नहीं हुआ, बोला कि जो हो गया सो हो गया। ये 300 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था, ये पुराना मामला है, 7 साल पुराना है। तो स्वाभाविक है कि जो लोग समृद्ध होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ वरीय पदाधिकारी हैं जो दूसरे कैडर में हैं, तो अगर वो किसी कारणवश से समय अवधि में अपना आवेदन नहीं दे रहे हैं तो क्या उनके जमीन का मुआवजा आप किसी तीसरे आदमी को दे दीजिएगा? यह कहते हुए कि उन्होंने 6 साल तक आवेदन नहीं दिया, तो इससे बड़ा और यहाँ का समझिए कि हम क्या कर सकते हैं? कोई कानून नाम का चीज़ है? कोई नियम नाम का चीज़ है? और देखिए, उतना ही नहीं हुआ, कितना फर्जीवाड़ा इस कार्य में हुआ कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी जो उस समय के तत्कालीन जो होंगे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 65 लाख रुपया रविंद्र कुमार को दिया जाता है, और 2 दिन के बाद उसका बैंक में अकाउंट खुलता है। बताइए कैसा घोर अन्याय। उतना ही नहीं, इसके बाद जब वो लगातार दौड़ने लगा कि भाई जमीन मेरा है और आप यह पैसा दूसरे को दे दिए, जिला अधिकारी के यहाँ सभी जगह दौड़ा, कहीं सुनवाई नहीं हुआ, बोला कि जो हो गया सो हो गया। जमीन के रैयत का जांच करने का अधिकार सरकार को नहीं है, ऐसा उसने लिखा। तब ये लाचारी में माननीय मुख्यमंत्री के शरण में गए, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ आदेश हुआ। उसके 3 साल के बाद जिलाधीश ने एक पत्र लिखा कि आपका जो मुआवजा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को चला गया, अभी उस पर सर्टिफिकेट की कार्रवाई की गई है, जैसे ही वो पैसा हमको वापस मेरे अकाउंट में आएगा वो आपको भुगतान किया जाएगा। बताइए ऐसा भी कोई घोर अन्याय हो सकता है कि भाई 7 साल से दौड़ रहा है, उसका पैसा आप दूसरे को दे दिए और वो जब आपके खाते में पुनः लौटेगा तब उस विक्टिम को मिलेगा? तो मैंने यह सवाल उठाया, सभी लोगों ने इसको कापी से, और तो और हमने उनको एग्जाम्पल दिया कि भाई छोड़िए, 1990 में मैंने नालंदा में एक ज़मीन लिया, वो रोड में चला गया, मेरा ज़मीन है, मेरा रैती ज़मीन है, मेरा खरीदा हुआ ज़मीन है, और जब रोड में चला गया तो 3 साल तक वहाँ का जिला भू अर्जन पर, चूँकि मुझे हमारे पास समय है नहीं, काफ़ी व्यस्तता रहता है, तब अंतोगत्वा मैं प्रधान सचिव के शरण में गया। जब प्रधान सचिव ने उसको हड़काया कि या अगर गलत क्लेम किए हैं तो इनका रिजेक्ट करो, और अगर सही है तो इनका मुआवजा भुगतान करो, रिश्वत चाहते हो क्या, घूस चाहते हो क्या? और मैंने सदन में बताया कि अगर आप अपना परिचय नहीं दीजिए और आप बिहार के किसी भी जिला भू अर्जन पदाधिकारी में जाइए और बगैर रिश्वत कोई काम हो जाए तो कोई सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं, और ये हर एक डंके की चोट पर ये बात हम कहते हैं। यही तो सुशासन है, यही ई गवर्नेंस है, और यही जीरो टॉलरेंस है, इसी को बिहार में जीरो टॉलरेंस बोला जाता है। कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।